सारे वीडियोस आपके पास धड़ाधड़ आपको सुनने को मिलेंगे। आप अपनी नोटबुक निकाल लेवें, उसमें लिख लेवें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेवें, सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है ना? नाम से स्पष्ट है, स्ट्रक्चर से बना हुआ अप्रोच है ना, स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच, दिस अप्रोच इज नॉन एज न्यू अप्रोच एंड ओरल ओरल अप्रोच। ये एक नए अप्रोच के रूप में नॉन का मतलब जाना जाता है। ये मेथड न्यू अप्रोच के रूप में जाना जाता है, नॉन एज न्यू अप्रोच एंड ओरल ओरल अप्रोच। इसको ओरल 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 अप्रोच भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सी एस भंडारी के अनुसार इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश इज टीचिंग द लर्नर सर्टेन सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स इन ए सर्टेन ऑर्डर। ये स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है इंग्लिश में, ये पढ़ाता है, इसमें पढ़ाया जाता है द लर्नर, उस सीखने वाले को, लर्नर को, इन ए सर्टेन सेलेक्टेड स्ट्रक्चर। कुछ सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इट इज़ ए पेन, इट इज़ ए टेबल, इट इज़ ए बोर्ड, है ना। इस तरह कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन ए सर्टेन ऑर्डर, और एक सर्टेन ऑर्डर फिक्स होता है कि जैसे इट इज़ पे डिपेंड करना, बच्चे को सिखाना है, इट इज़ ए पेन, इट इज़ ए ब्लैक बोर्ड, है। ये इस तरह से चार पांच वाक्य बार बार सर्टेन स्ट्रक्चर में सर्टेन ऑर्डर के अंदर लर्नर को पढ़ाना किसके माध्यम से, ये होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच के माध्यम से। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव द सेम वर्ड्स बट गिव्स द डिफरेंट मीनिंग इन ए डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड पैटर्न्स। ये भी हो सकता है कि डिफरेंट सेंटेंस लेवे, डिफरेंट सम वर्ड्स, और जो डिफरेंट मीनिंग देवे, भिन्न भिन्न उसके अर्थ देवे, डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ वर्ड पैटर्न में। जैसे हिज वाइज वह बुद्धिमान है, हिज वाइज, इज ही वाइज, क्या वह बुद्धिमान है। स्ट्रक्चर सेम है, ही इज वाइज, लेकिन हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा चेंज किया, इज यहाँ आ गया, इज ही वाइज। तो ये इंट्रो, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाइज ही इज, वो ये एक्सक्लेमेटरी बन गया, क्या वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, क्या वह बुद्धिमान है प्रश्न, और वह इतना बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से तीन सेंटेंस हो गई, हिज वाइज, इज ही वाइज, वाइज ही इज। ये है स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एडवांटेज हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के, कुछ फायदे हैं या उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होता है, स्पीच इज एम्फेसाइज्ड, इसमें बोलने पर, इसमें बोलो हिज वॉइस, हिज वॉइस, इज ही वॉइस, वॉइस हिज। तो स्पीच पे एम्फेसाइज्ड होता है, स्पीच पे जोर दिया जाता है, फोकस होता है स्पीच पे। सेकेंड होता है लैंग्वेज मटेरियल्स आर केयरफुली सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज के जो मटेरियल है, भाषा का जो मटेरियल्स हैं, उनको क्या करते हैं, केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है, बड़ी सावधानी के साथ, कि जैसे पहली क्लास के बालक हैं तो उसको उसकी ग्रेड के अनुसार, है ना, केयरफुली सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू ग्रेड क्लास, और उसको ग्रेड दी जाती है। तो लैंग्वेज मटेरियल आर केयरफुली सेलेक्टेड एंड ग्रेड, उसको ग्रेड दी जाती है। तीसरा है, स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव बिकॉज दे लर्न लैंग्वेज थ्रू एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को क्या करना, एक्टिव रखना होता है, क्योंकि दे लर्न, वे सीखते हैं लैंग्वेज को एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, कुछ कार्य विधि के थ्रू सीखते हैं, क्योंकि एक्टिविटी करेगा बालक तो वो जल्दी सीखेगा, इसीलिए स्टूडेंट में इसको, इसमें एक्टिव रखा जाता है। चौथा, लैंग्वेज इज टॉट इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन। लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती है, इसके अंदर एक मीनिंगफुल सिचुएशन देकर के पढ़ाई जाती है। ओरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस। इसमें ओरल एस्पेक्ट दिया जाता है, मौखिक एस्पेक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि स्पीच इज इम्फेसाइज्ड, तो ओरल एस्पेक्ट पे, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। छठा, इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन। ये क्या करता है, ये बोलने का, एक्सप्रेस करने का, अपने आप को प्रकट करने का क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है।
इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच. और ये क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच, क्योंकि इसमें एकदम केयरफुली सेलेक्टेड मटेरियल लैंग्वेज मटेरियल एंड ग्रेडेड को अच्छी तरह से दी जाती है, इसलिए इसको क्या माना गया, सिस्टमेटिक अप्रोच माना गया है. आठवा और लास्ट इसका फायदा है, इसकी विशेषता है, इट इज़ इंटरेस्टिंग अप्रोच, क्योंकि इसमें क्या होता है ओरल आस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए यह बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच होता है. डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच. स्ट्रक्चरल अप्रोच से क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, डिमेरिट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेज है उसके बारे में पढ़ना, कौन कौन से नुकसान है या क्या क्या इसमें इससे हमें डिसएडवांटेज इसके बारे में देखिए. पहला है सुटेबल टीचर्स फॉर दिस अप्रोच आर नॉट अवेलेबल. इसके लिए सुटेबल टीचर्स चाहिए, क्योंकि इस अप्रोच को जानने वाले टीचर्स की आवश्यकता होती है जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है. दूसरा, रीडिंग राइटिंग एंड वोकैबुलरी आर नेग्लेक्टेड. क्योंकि इसमें स्पीकिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसमें ड्रिलिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए रीडिंग को इग्नोर किया जाता है, इसमें पढ़ा कम जाता है, लिखा कम जाता है और वोकैबुलरी का नॉलेज कम दिया जाता है, तो इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है. तीसरा, नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस. जो बड़ी बड़ी ओवर क्राउडेड यानी जो जिसमें ओवर क्राउडेड क्लासेज हैं, बड़ी बड़ी क्लासेज हैं, उसमें ये यूजफुल नहीं है, उसमें ये कामगर नहीं है, ये उसमें कोई काम किसी काम का नहीं है. चौथा डिसएडवांटेज है, नॉलेज ऑफ मदर टंग इज नॉट एक्सप्लॉयटेड. इसमें मदर टंग के नॉलेज के बारे में इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है. पांचवा डिसएडवांटेज है, ओवर एम्फेसिस ऑन ड्रिल वर्क इज गिवन. इसमें सबसे ज़्यादा ओवर का मतलब ओवर एम्फेसिस होता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला जाता है किस पर, ड्रिलिंग पर, इसीलिए भी ये इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. छठा है, इट डिमांड्स टू मच लैंग्वेज मटेरियल्स. और जब स्ट्रक्चरल अप्रोच को अपन पढ़ाएंगे तो इस स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होगा, लैंग्वेज मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, इनको आप लिख लेना. ये स्ट्रक्चरल अप्रोच अपना ख़त्म होता है. दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ ऑडियो लिंगुअल मेथड इन इंग्लिश, टीचिंग इन इंग्लिश में क्या होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड, तो इसके बारे में भी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. ऑडियो लिंगुअल मेथड, द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज ए मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग विच एम्फेसिस द टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग. इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है स्पीकिंग पर, बोलने पर. ये मेथड है, फॉरेन लैंग्वेज इसमें सिखाई जाती है, इस पर एम्फेसिस होता है, प्रकाश किस पर डाला जाता है, टीचिंग ऑफ लिसनिंग सुनने पर और स्पीकिंग पर. बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने और पढ़ने से पहले स्पीकिंग और लिसनिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है. इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है इस ऑडियो लिंगुअल मेथड में वो होता है लिसनिंग पर, यानी कि सुनने पर और बोलने पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी सुनो और बोलो, सुनो और बोलो. इससे इसमें फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए ये मेथड काम आता है. इट यूजेस डायलॉग्स एज द मेन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्रेजेंटेशन एंड ड्रिल एज द मेन ट्रेनिंग टेक्निक्स. इसमें क्या होता है, डायलॉग यूज किए जाते हैं, बातचीत की जाती है एज द मेन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज के मेन फॉर्म में डायलॉग का प्रयोग किया जाता है, और वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है डायलॉग के माध्यम से, ड्रिलिंग की जाती है बार बार एंड द मेन ट्रेनिंग टेक्निक्स के बारे में. मदर टंग इज डिस्करेज्ड इन द क्लासरूम. इसमें मदर टंग का कोई काम नहीं होता है, डिस्करेज होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज आर्मी मेथड, और इसे आर्मी मेथड भी कहा जाता है. तो इस मेथड को भी आप इंपॉर्टेंट समझिएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड. अब आता है इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं, इसमें क्या होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड में, तो अपन पढ़ने जा रहे हैं. दिस मेथड एम्फेसिसेस द एक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज. ये मेथड क्या करता है, लैंग्वेज के एक्टिव यूज को प्रयोग करता है, लैंग्वेज को जीवंतता को बताता है, उसमें सक्रियता को बताता है. दूसरा इसमें इसका एडवांटेज है, दिस मेथड प्रमोट्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग. इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो होता है, जो अपन ने पहले पढ़ा है, स्पीकिंग पे होता है, बोलने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है और सुनने पर दिया जाता है.
सो द मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन द डायलॉग फॉर्म, इसलिए जो भी मटेरियल इसमें दिया जाता है वो इसमें डायलॉग फॉर्म में दिया जाता है, बातचीत के माध्यम से दिया जाता है। तीसरा, द स्ट्रक्चरल पैटर्न आर टॉट यूजिंग रिपीटेटिव ड्रिल्स, इसमें स्ट्रक्चरल पैटर्न बढ़ाया जाता है रिपीटेटिव ड्रिल के द्वारा, बार बार रिपीट करते हुए। चौथा है, वोकेबलरी इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड, इसमें वोकेबलरी पर स्ट्रिक्टली पाबंदी होती है, लिमिटेड यूज की जाती है वोकेबलरी। पांचवा, लैंग्वेज टीचिंग थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें भाषा जो पढ़ाई जाती है वो ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा पढ़ाई जाती है, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा ये अप्रोच पढ़ाया जाता है, ये मेथड पढ़ाया जाता है। छठा, लैंग्वेज स्किल्स आर टॉट इन ऑर्डर, इसमें लैंग्वेज कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे इसमें टॉट की जाती है, इस ऑर्डर में कि फर्स्ट लिसनिंग, पहले सुनो एंड देन स्पीकिंग, फिर बोलो, पहले सुनो फिर बोलो, ये आर्मी मेथड भी इसको जाना जाता है आर्मी मेथड के नाम से। इसके लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिट बनाई हुई है, या जिसको डिसएडवांटेज वो भी बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड, ये लाइन तो आपको सभी डिसएडवांटेज में लिमिटेशंस में लिखनी है कि ये है मेथड क्या है, ओवर क्राउडेड क्लासेस में उपयोगी नहीं है। दूसरा, द स्किल लाइक रीडिंग एंड राइटिंग आर नॉट एम्फसाइज्ड, इसमें रीडिंग और राइटिंग पर एम्फेसिस नहीं होता है, फोकस नहीं होता है। तीसरा, द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स रिक्वायर्ड ह्यूज फंड्स, इसमें क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड को प्राप्त करने के लिए, यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड की जरूरत है, काफ़ी पैसा लगता है तब ऑडियो विजुअल एड्स बनाए जाते हैं, यानी इसमें फंड की आवश्यकता है। चौथा, ट्रेंड टीचर्स आर नॉट अवेलेबल इजीली, इसमें क्या होता है, ट्रेंड टीचर नहीं मिलते हैं, इसको पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं मिलते हैं, तो ये इजी वे से प्राप्त होने वाला मेथड नहीं है, इसमें ये कुछ लिमिटेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाओ आप, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच क्या है, व्हाट इज सीएलटी, सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ट्रेनिंग टीचिंग अप्रोच, यानी कम्युनिकेट के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से किसी भाषा को समझाना, पढ़ाना, लिखाना, वो अप्रोच सीएलटी। तो द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द रिसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच, ये जो अप्रोच है ये रिसेंट, ताजा बना हुआ है, अभी लेटेस्ट अप्रोच है। टीचर्स हैव नोन दैट देयर एम वाज टू गेट स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिंग सक्सेसफुली आउटसाइड द क्लासरूम, इसमें टीचर्स को क्या होता है, ये टीचर्स हैव नोन, ये टीचर्स को ये बताया जाता है उनका जो मेन उद्देश्य ये होता है, एम होता है टू गेट स्टूडेंट्स, कि बच्चे क्या करें, कम्युनिकेट करें सक्सेसफुली, एक दूसरे से इंग्लिश में बातचीत करें, फॉरेन लैंग्वेज में बातचीत करें, जिस भाषा को हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन करें आउटसाइड द क्लासरूम, अंदर क्लासरूम में और बाहर भी जाके बच्चे बात करें, इस सीएलटी का मतलब यही है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएलटी, इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस मेथड की, अप्रोच की। पहली है, द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर इंक्लूडेड इन दिस मेथड, इन दिस अप्रोच, इसमें क्या होता है, स्पीकिंग और राइटिंग पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि बोलना, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा, स्पीकिंग करनी पड़ेगी, तो स्पीकिंग और राइटिंग पर इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसमें बालक को बताया जाता है कि आप किस प्रकार से स्पीकिंग करोगे और किस प्रकार से राइटिंग करोगे। दूसरा, इसकी विशेषता है, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, इसमें सिमेंटिक लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया जाता है। अब आता है तीसरा, इट लेस एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। चौथा, इट लेज लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, ये ग्रामर पर कम ध्यान दिया जाता है, इसमें सीएलटी में क्या होता है, ग्रामर पर बहुत कम स्ट्रेस दिया जाता है। पांचवा, द नीड ऑफ द लर्नर इज टू कम्युनिकेट हिज फीलिंग्स एंड थॉट टू अदर्स, इसमें आवश्यकता है लर्नर को कम्युनिकेट करने की, किसकी, इसकी फीलिंग और थॉट को दूसरों की। इट इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ द हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, ये किस प्रकार से लैंग्वेज का यूज करना, इस कंसेप्ट पर ये डिपेंड है।
सातवा, इट प्रोवाइड्स द कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटीज, ये क्या करता है, कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कराता है। चौथा क्वेश्चन, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड क्या है। द एफर्ट्स ऑफ द लर्नर इन एब्सेंस ऑफ टीचर्स कैन बी कॉल्ड टास्क। लर्नर क्या करता है, द एफर्ट ऑफ लर्नर, लर्नर का जो प्रयास होता है किसमें, इन एब्सेंस ऑफ टीचर, टीचर की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में लर्नर का एफर्ट होता है वो ही टास्क कहलाता है। यानी टीचर नहीं है और बच्चा पढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है, यही टास्क है। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, द टीचर इज नॉट देयर टू सुपरवाइज, इसमें टीचर सुपरवाइज नहीं करता है। सो द टास्क टू बी कैरीड आउट बाय द लर्नर इज नोन एज टास्क बेस्ड। इसमें क्या होता है, बालक खुद पढ़ता है, इसमें लर्नर खुद पढ़ता है, टास्क को करता है, कैरी आउट करता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इन दिस मेथड, इस मेथड में द लर्नर आर असाइंड बाय काइंड ऑफ टास्क, इसमें लर्नर क्या करता है, असाइन करता है किसी भी टास्क को, टू बी परफॉर्म बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक एक्टिव पार्टिसिपेट के रूप में, एक बच्चा सक्रियता के रूप में उसमें भाग लेता है और काम करता है। एंड दैट इनेबल्स देम टू डेवलप रिक्वायर्ड स्किल, और उस जिस स्कूल स्किल को टीचर बताना चाह रहा है, जिसका प्रेजेंटेशन करना चाह रहा है, जो सिखाना चाह रहा है, वही स्किल बच्चा जल्दी से समझ जाता है, इनेबल हो जाता है, डेवलप हो जाती है उस स्किल उसकी, यही टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, फुल नेम ऑफ TPR, TPR का फुल नेम क्या है, तो यही TPR है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड, इसको याद कर लीजिएगा, टास्क बेस्ड लैंग्वेज है ना, TPR, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड, ये इसका पूरा नाम है। ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये यूनिट आपकी समाप्त होती है, और मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।